स्टूडेंट अपना लेसन चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आज मैं आपको एक नया टॉपिक शुरू करा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखना, और इसके कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, जो आज टॉपिक चल रहे हैं। देखो इसके अंदर मेन बात अपन करते हैं टॉपिक के अंदर क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, ये टॉपिक है अपना, ठीक है। क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर क्या होती हैं? तो देखो किसी भी एटम का, मान लो ये एक एटम है, किसी भी एटम का साइज का मतलब ये कितना बड़ा है, किसी भी एटम का साइज और इसके अंदर जो सब सेल पाए जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया उपकोष SPDF, उनकी आकृति, ठीक है, उनका शेप और चुंबक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि भाई वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो रही है कि नहीं हो रही, और इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूम रहा है कि घड़ी के विपरीत घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इन चारों चीज को बताने के लिए जो नंबर दिए गए थे उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। आगे बात समझ में, क्वांटम संख्याएं क्यों दी गई, अगर आपसे कोई पूछे क्वांटम नंबर क्यों दिया गया, तो आप बताओगे कि किसी भी एटम का शेप साइज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और स्पिन को निकालने के लिए जो नंबर दिए गए थे, संख्याएं दी गई थी, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्याएं बोलते हैं। देखो बच्चों क्वांटम संख्या होती है चार प्रकार की, आपको उनके चारों के नाम जरूर आने चाहिए, ठीक है। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एन से, किससे दिखाते हैं ये भी पता होना चाहिए, स्मॉल एन से। दूसरा होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर, इसको लिखेंगे स्मॉल एल से, स्मॉल एल ध्यान रखना। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको लिखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको लिखते हैं स्मॉल एम से। चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या, इसको लिखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, इसको लिखते हैं एस से, ठीक है। चारों नाम आने चाहिए, पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, दूसरा होता है दिगंशी क्वांटम संख्या एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर एल, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर एस। देखो सबसे मेन चीज ये क्या क्या बताती है, जैसे मैंने आपको बताया क्वांटम संख्या क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, ये एक एक चीज एक एक बात करता है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या आपको क्या बताती है, एटम का साइज बताती है, यहां लिख देता हूं, मुख्य क्वांटम संख्या आपको क्या बताती है, एटम का साइज बताती है, आकार बताती है कि कितने गहरे हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या आपको उपकोष बताती है, सबसेल बताती है कि सबसेल एस है, पी है, कि डी है, कि एफ है, ये कौन बताता है, दिगंशी क्वांटम संख्या बताती है, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको क्या बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको चुंबकीय प्रॉपर्टी बताता है, मतलब के इलेक्ट्रॉन प्रति चुंबकीय है कि अणु चुंबकीय है, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, और चक्रण क्वांटम संख्या आपको यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, स्पिन कैसा है, इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूम रहा है कि घड़ी के विपरीत घूम रहे, ये सारी चीज कौन बताएगा, क्वांटम संख्या बताएंगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटम के बारे में क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एटम के बारे में क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर एटम के बारे में क्या बताता है, ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा इसको देख के चलना, ठीक है भाई। अब देखो मैं पहले बात कर रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, एम की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक है। तो देखो एन की वैल्यू होती है, आपको इतना याद रखना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक होती है। एक तो ये आपको क्या बताता है, साइज बताता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इतनी होती है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना चाहे, ठीक है। और एग्जांपल दे दूं तो आपने लिखा था 1s 2s 2p 3s, ये जो पूरी सीरीज लिखी थी इसके आगे जो ये मैथ के नंबर लिखे हैं ना, यही क्या है, एन है, यही क्या है आपके, एन है, बात समझ आ गए, यही आपके क्या हो गए, एन हो गए। मतलब मान लो मैंने 2p की बात करी और मैं पूछूं 2p में एन क्या है, तो आप कहोगे 2 है। 3s की बात करूं, इसमें एन क्या है, आप कहोगे 3 है। मैं 3d उठा लूं पूछूं, इसमें एन क्या है, तो 3 है। 4s उठा लूं पूछूं, एन क्या है, तो कहोगे 4 है। आगे बात समझ रहे, ये घेरा बता रहा है, न्यूक्लियस से जो घेरा है ना, 2p बोलूंगा तो दूसरे नंबर घेरे की बात कर रहा हूं, 3s बोलूंगा तो तीसरे नंबर घेरे की बात कर रहा हूं, ठीक है।
ये बताता है आपको सिर्फ इस घेरे के बारे में, इसको यूज करना मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है दिगंसी क्वांटम संख्या L, दिगंसी क्वांटम संख्या L, एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर L। देखो L आपको क्या बताता है, सिंपल सा याद रखना, ये आपको क्या बताता है, सब सेल के बारे में बताता है, उपकोष के बारे में बताता है। यदि L की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, वैल्यू कैसे निकालते हैं करेंगे सब। यदि L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 आए, L की वैल्यू 0 आएगी तो सब सेल कौन सा हो जाएगा, उपकोष कौन सा हो जाएगा। यदि L की वैल्यू 0 आती है तो सब सेल हो जाएगा S, 1 आती है तो P, 2 आती है तो D, 3 आती है तो F। इससे आगे हमको नहीं पढ़ना, बस इतना इसके अंदर पढ़ना है और कुछ मत पढ़ो, ठीक। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये अपन को इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है, चुंबकीय गुण बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है, चुंबकीय गुण बताता है। इसको निकालने का सूत्र होता है प्लस माइनस एल से प्लस माइनस एल तक की। अगर इधर माइनस लोगे तो इधर प्लस ले लेना, इधर प्लस लोगे तो इधर माइनस ले लेना, बीच में जीरो ही रहेगा, ठीक है। इसको निकालने का सिर्फ फॉर्मूले देखने अपन को। एस अपन को क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, ठीक है। एस की वैल्यू यदि प्लस हाफ निकल रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमेगा ऐसे, ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमेगा क्लॉकवाइज प्लस हाफ, और इसको हम लिखेंगे इस प्रकार के एरो से। और अगर एस की वैल्यू आ रही है माइनस हाफ, ये दो ही वैल्यू आएंगी, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं, नीचे के एरो के अंदर दिखा दिया, ठीक है। ये होती है चारों क्वांटम संख्या। इसमें बहुत ही काम की चीज मैंने बताई है, फालतू कुछ नहीं बताया, बुक से पढ़ोगे, ढाई पेज का क्वांटम नंबर है, अपने को इतना बड़ा नहीं पढ़ना, अपने को ये देखना है क्या क्या बताते हैं और कैसे इसका यूज होता है, बस इतना कर लो। मैं कह रहा हूँ कंपटीशन तक के क्वेश्चन हो जाएंगे इतने से टॉपिक से। अब बात ये कर रहा हूं कि इसको यूज कैसे करके दिखाना है। देखो भाई, पिछला वीडियो आप रिवाइज कर करके देखते रहना, आपको पता चल जाएगा इसको कैसे यूज करना है। मान लो आपको दे दिया 2s1, इसकी चारों क्वांटम नंबर निकालो, n निकालो, l निकालो, m निकालो और s निकालो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, आगे जो मैथ का नंबर है वही n की वैल्यू है, आंख बंद करके करना। l के लिए मैंने क्या कहा था, देखो l के लिए कहा था अगर वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो तो सब सेल s, p, d, f होगा। तो यहाँ पे सब सेल क्या है, s है, s के साथ में क्या आ रहा है, 0, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिंपल सा है, ठीक है। m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस l, 0 प्लस माइनस l निकालते हैं m की वैल्यू। तो देखो l की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो m के लिए l की वैल्यू लिख दो प्लस माइनस 0, 0 प्लस माइनस 0। अगर मैं यहाँ प्लस का लेता हूँ तो यहाँ माइनस लेता हूँ, तो ले दे के सारी वैल्यू m की क्या आएगी, 0 ही आएगी। और सिंपल सा याद रखना है, s के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 ही लेनी है, ठीक है। एस की वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो देखो एस के अंदर एक डब्बा होता है, एक ऑर्बिटल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरना है। हुंड का रूल कहता है पहला इलेक्ट्रॉन भरोगे फिर ही दूसरा भरेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन भरोगे उसका एरो का है ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ का मतलब है ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है तो क्या आ जाएगा, प्लस हाफ आ जाएगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है जो आप करके मेरे को खुद बताओगे, ठीक है। 3s2, 3p3, 3d4, 4s1, इन चारों की चारों क्वांटम संख्याएं आप मेरे को करके, ये आपका होमवर्क है, और मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओगे कि लो सर हमने ये चार क्वांटम संख्याएं निकाल ली है। किसी को नहीं आता आप मेरे से पूछना, व्हाट्सएप करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कल संडे को आपको ये होमवर्क करना है, ये आज का टॉपिक आपका कंप्लीट है, क्वांटम नंबर बहुत सिंपल टॉपिक है।